comes up. Good morning, ma'am. Very good morning. All of you sit down. Thank you, ma'am. आज मैं आप सभी को साफ सफाई के बारे में पढ़ाऊंगी कि हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए. तो बच्चों बताओ, किस किस को पता है कि साफ सफाई हमें क्यों रखनी चाहिए? कि पॉइंट में सबको पूछूंगी. हाँ प्रियंका, आप बताओ. जल्दी लाना. मैम. हाँ बोलो. मैम वो तो मैं भूल गई. सिट डाउन. कुमकुम आप बताओ. हमें साफ करना चाहिए. कैसे साफ करना चाहिए? मैम वो तो मेरे को आता ही नहीं. सिट डाउन. बच्चों आज मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए. क्या आप सभी देखना चाहते हैं? यस मैम. स्टैंड अप. मेक अ लाइन एंड फॉलो मी. गेट खुला है. बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं नहीं हटाओ इनको. अरे इधर साइड का गेट तो नहीं खुला. गोविंद सर खुलवाया था उस साइड. अरे इनको भी ले. कोई नहीं. रवीन. अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने बीमार कैसे लग रहे हो? दो तीन दिनों से खांसी चल रही है. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. हाँ तुमने सही कहा. मैं अभी डॉक्टर के पास आता हूँ. क्या हुआ तुम्हें? दो तीन दिनों से खांसी चल रही है. ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा. दो मिनट को रुपए रिपोर्ट. तुमको तो डेंगू है. डॉक्टर साहब मैं ठीक कैसे होऊंगा? घबराने की कोई बात नहीं है. मैं तुम्हें रिपोर्ट लेके दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ. वो तुम्हें रोज खानी है और तुम्हें गंदगी में नहीं बैठना है. अपने आसपास सफाई रखनी है. इधर देखो हर जगह कचरा ही कचरा है. ये देखो एक और जीता जाता कचरे का नमूना. अभी बता रहा उसको. कोई है घर पर? हाँ चाचा जी बोलिए. हमारे घर पर इतने सारे मच्छर कैसे हैं? अरे चाचा जी दिन में 3-4 बार झाड़ू पोछे करती हूँ फिर भी ये मच्छर आते हैं. इसलिए तो मच्छर आते हैं. इसका क्या मतलब है चाचा जी? झाड़ू पोछे से क्या मच्छर आते हैं? झाड़ू पोछे कचरा पानी बाहर फेंकते हो इसलिए तुम्हारे घर पर मच्छर आते हैं. क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर के पास गया था. डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें डेंगू है. देखो तुम्हारी वजह से हमारे आयुष को डेंगू हो गया. सॉरी चाचा जी. अब मैं अपनी चारों ओर सफाई रखूंगी और कचरा डस्टबिन में फेंकूंगी. देखा बच्चों आप सभी ने कि हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए? Yes, तो बताओ क्या आपने क्या देखा वहाँ पर? कीप क्वाइट. मैं सबसे पूछूंगी. हिमलता आप बताओ. मैम हमें साफ रहना चाहिए. वेरी गुड. कुमकुम आप बताओ. मैम हमें चारों ओर सफाई रखनी चाहिए. वेरी गुड. प्रियंका आप बताओ.
मैम हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी आप बताओ। मैम गंदगी से हमें ही नुकसान होता है। वेरी गुड। लक्षिता आप बताओ। मैम हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। क्या आप सभी ऑल स्टूडेंट को समझ में आया कि हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए?